जय हिंद दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार बढ़िया बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहला बैंक जिसे चुना गया है बात करने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो है HDFC बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं स्टॉक ने पिछले दिनों एक बढ़िया सा हाई लगा दिया। एंड स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने अपनी कवर पैटर्न जो है उसको यहाँ पे कर दिया कंप्लीट। थोड़ा सा और डीप में जाएंगे क्या देखने मिल रहा है, थोड़ा सा और डीप में गए तो देखने मिल रहा है पिछले दिनों स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगा दिया ऊपर की तरफ, दैट इज़ 1539.5। और उसको हाईलाइट करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला दिन था 7th जुलाई 1539, इस पर ध्यान देना है। एंड स्टॉक में तेज़ी बननी है तो इसके ऊपर बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 1539.5 इसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इसके ऊपर जब स्टॉक बंद होगा तब बात बनेगी, स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आएंगे। एंड ऊपर के लेवल्स कौन से आएंगे, किस रेंज में स्टॉक चले जाएगा, स्टॉक चले जाएगा इस रेंज में। और जो लेवल रेंज है वो है 1610 से लेके ऑल टाइम हाई की रेंज को भी निकालेगा 1690, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। सो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर स्टॉक बंद होगा तब बनेगी बात एंड तब स्टॉक निकलेगा ऊपर की तरफ। 1610 1690 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नीचे की तरफ कौन सी रेंज को स्टॉक तोड़ देता है तो और बिकवाली बन सकती है। और ट्रेडर्स को ध्यान देना है जो कुछ दिनों के लिए पोजीशंस बनाते हैं, और वो लेवल है ये 1500 रुपये का स्टॉक तोड़ दे तो सावधान हो जाना है एंड निकल जाना है पोजीशन से 1500, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो जिनका लंबी अवधि का नज़रिया है इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स ढूंढते हैं बढ़िया प्रूवन बिजनेस से, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से, HDFC बैंक कोई सवाल ही नहीं है इसके बिजनेस के बारे में। 1450 से लेके 1370 हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन लेवल के आसपास फैलता है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा एवरेज आउट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग को भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक जो है एग्जैक्टली कर रहा है एसेंडिंग ट्रायंगल की जो एक पैटर्न है उसमें काम कर रहा है एंड धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है तो HDFC बैंक का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे स्टॉक की तरफ, और दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है ICICI बैंक। जी हाँ, ICICI बैंक स्टॉक का नाम है। एंड ये है तकरीबन पिछले 6 महीने के आसपास का चार्ट, तो शुरू करते हैं स्टडी। स्टॉक ने क्या किया, पिछले दिनों एक रेजिस्टेंस बना लिया ऊपर की तरफ, कौन सा लेवल था वो ये देख लीजिए। एंड वो एग्जैक्टली पिछला सेशन यानी कि 15 जुलाई का ही सेशन था जब स्टॉक ने एक बढ़िया हाईएस्ट क्लोजिंग दी अपनी, और वो कौन सा लेवल था, 667। यस, 667 का एक लेवल है ये। मैं लेवल लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ सेट ये लाइन को, एंड 667 इस पर ध्यान देना है, 667.45। यस एग्जैक्टली 667.45 एकदम एग्जैक्ट लेवल, इस पर ध्यान देना है। इसके ऊपर स्टॉक बंद होगा तब बनेगी तेज़ी। और ये तेज़ी का राउंड कहाँ तक चलेगा, किस रेंज में स्टॉक जाएगा, कौन से दो स्टॉप स्टॉक को मिलेंगे, कौन से दो टारगेट से देखने मिल सकते हैं, सबसे पहले स्टॉक जा सकता है 700 से लेके 73, इस रेंज में स्टॉक जाके हो सकता है सेटल। बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ निकलना है तो ICICI बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कौन सा लेवल है ध्यान रखना है, बिकवाली बढ़ सकती है जिसके बाद, एंड जहाँ पर पोजीशन छोड़नी है। ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं हम जो दो तीन दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं, 635 रुपये 635 इसको स्टॉक तोड़ दे तो हो जाना है फिर सावधान, ओके। आगे बढ़ेंगे, जिनका लंबी अवधि का नज़रिया है इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया स्टॉक्स ढूंढते हैं, ये वो स्टॉक है आपके लिए, 620 एंड 540 यहाँ पर स्टॉक मिले तो लपक लेना है बिना किसी क्वेश्चन के, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं आप अगर आपको बढ़िया स्टॉक्स चाहिए तो। और यहाँ पे स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, स्टॉक देखें यहाँ पे अपनी कवर पैटर्न जो है एग्जैक्टली उसको यहाँ पर भी कंप्लीट कर दिया, फिर यहाँ पर भी एग्जैक्टली अपनी कवर पैटर्न जो है उसको कंप्लीट कर दिया। देखिए इसको मैं ऊपर सेट कर देता हूँ, कवर पैटर्न ऑलरेडी स्टॉक कंप्लीट कर चुका है एंड उसी रेजिस्टेंस जो है उसके आसपास स्टॉक काम कर रहा है। सो बस स्टॉक बस कुछ दिनों की बात है ऑल टाइम हाई के आसपास जब निकलना है बैंक निफ्टी को, ICICI बैंक, HDFC बैंक अपने पूरी ताकत के साथ धीरे धीरे निकलेंगे एंड बैंक निफ्टी भी जो है ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ेंगे और दो बैंक्स के बारे में बात करेंगे, उसके पहले एक अपडेट, और अपडेट है ये, अगर आप डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रोकरेज आपको पे करनी है वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ओनली, एंड अकाउंट ओपनिंग जो है वो बिल्कुल ही फ्री है। साथ ही आपको जो है ब्रोकर की तरफ से आपके डीमैट अकाउंट में 250 रुपीज़ भी मिलेंगे, वो पैसे से आप स्टॉक्स मतलब शेयर्स बाई कर सकते हैं।
एंड पहले महीने जो आपको ब्रोकरेज पे करनी है वो है 0 रुपीज़ पर ऑर्डर। ये सब कुछ आपको मिलेगा ब्रोकर की तरफ से। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा रेफरल लिंक दिया गया है, अगर उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे एंड से आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। वो है ये, बहुत सारे लोग हमसे इंट्राडे की कॉल्स मांगते हैं, इंट्राडे में क्या करना है वो पूछते हैं, तो उस पर वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए पोजिशन बनाते हैं। सो वॉट वी डू इज़ वॉट वी आर डूइंग इज़ हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग सेशन मतलब जो 9 बजे शुरू होता है उसके एग्जैक्टली 12 घंटे पहले यानी कि ट्रेडिंग सेशन के एक दिन पहले कह सकते हैं हम लोगों को ट्रेडिंग की कॉल इंट्राडे में काम करने के लिए कॉल्स देते हैं, जहाँ पे कुछ हलचल हो सकती है, जहाँ पे पैसे बन सकते हैं। एंड अगर आप हमारे रेफरल लिंक से खोलते हैं अकाउंट तो ये बेनिफिट है आपको हमारे इनसे मिलेगा। एंड अगर आपको कॉल्स में कॉन्फिडेंस मिलता है एंड पॉजिटिविटी मिलती है तो ही आप काम कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, बट हाँ ट्रेडिंग सेशन के 12 घंटे पहले आपको कॉल्स मिल जाएगी। एंड अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमारे साथ वेरिफिकेशन कैसे करना है उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, अकाउंट ओपनिंग जो है फाईपैसा.com के साथ वो बिल्कुल ही फ्री है, आपको कोई भी पैसा उनको भी नहीं देना है, प्लस आपको कोई भी पैसा हमको भी नहीं देना है। दोनों ही चीज़ें जिनके बारे में मैंने बात की वो निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री है। अभी हम तीसरे स्टॉक के ऊपर जाएंगे जो बैंक निफ्टी का बड़ा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा होल्ड करता है, वो है बंधन बैंक। यस, बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। ये हमारी पिछली स्टडी है जो यहाँ पे हमें दिख रही है, हर बार हम जो भी स्टडी करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होती है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है सेव लेआउट एंड अपने आप सब कुछ सेव हो जाता है। मैं जब भी यहाँ पे काम करता हूँ हर डाटा हर लेआउट को हर बार निकलने से पहले सेव करने के बाद ही मैं निकलता हूँ। तो तभी हमें क्या देखने मिला था, 332 के ऊपर निकलता है, 348-365 तक जाएगा एंड स्टॉक एग्जैक्टली 354-55 के आसपास जाके नीचे आ गया। अब नीचे आते आते अब स्टॉक क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार स्टॉक जो है धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से देखिए ट्रेंड शुरू किया, स्टॉक ने शुरू किया एंड यहाँ पर हो गया ब्रेकडाउन, या स्टॉक का यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन, स्टॉक आ गया नीचे। अब नीचे आते आते क्या किया स्टॉक ने, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली कवर पैटर्न को कम्प्लीट कर दिया एंड आज के सेशन में भी नेगेटिविटी जो है अभी भी कायम है। यस, अभी भी नेगेटिविटी कायम है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर स्टॉक निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ये जो लेवल है 297 इसको स्टॉक तोड़ना नहीं चाहिए। इसको जो ट्रेडर्स हैं सबसे पहले इसको स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं, इसके नीचे स्टॉक निकल जाएगा तो हालत थोड़ी और ख़राब हो सकती है। जी हाँ, इसके नीचे निकल जाएगा तो हालत थोड़ी और ख़राब हो सकती है एंड गिरावट बढ़ सकती है। एंड अगर गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पे दो लेवल्स और बता दो और वो दोनों लेवल्स यही है और ये लेवल्स है लंबी अवधि के लिए। जी हाँ, जो निवेशक होते हैं जो लंबी अवधि का प्लान करते हैं इन लेवल के आसपास स्टॉक मिलता है तो बिना झिझक आप जो है फ्रेश बाइंग या ऑलरेडी पोजीशन है तो ऐड कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स के लेवल हो गए। मैंने पहले इन लेवल्स के बारे में इसलिए बात की बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ पे लिखे हुए थे, बस उनको मुझे यहाँ पे लाना था, प्लेस करना था। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ के लेवल्स की बात करेंगे। अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो स्टॉक किन लेवल के आसपास जा सकता है, चार्ट को और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ पे नीचे आते आते यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन उछला, फिर से नीचे आने लगा। सो स्टॉक ने इस रेंज में एक हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल बनाया और हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल कौन सा है वो है ये 320.55। यस, वो 7 जुलाई का दिन था, 320.55 इस पर ध्यान देना है। अब तेज़ी बननी है तो इसके ऊपर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेजिस्टेंस हो गया है अपडेट क्योंकि रेंज भी हो गई है अपडेट 320.55, इसके ऊपर की हमें चाहिए क्लोजिंग एंड इसके ऊपर बंद होगा तब स्टॉक में आएगी तेज़ी। एंड उस तेज़ी में स्टॉक कहाँ तक चले जाएगा, किस रेंज में चले जाएगा, अब रेंज हो जाएगी अपडेट और स्टॉक उस तेज़ी में जाएगा यहाँ तक। सबसे पहला लेवल जो देखने मिल सकता है वो है 335 से लेके 350। यस, 335-350 इस रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तेज़ी बननी ज़रूरी है एंड बैंक निफ्टी लाइक सभी इंडाइसेस निकल चुके तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं, हर रेस में जब भी रेस होती है कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, उसी तरह से बैंक निफ्टी यहाँ पर पीछे है। दैट्स इट, कुछ दिनों की बात है, ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक बैंक निफ्टी निकलेगा तब यही सारे स्टॉक्स जो है जो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी रैली दिखाना शुरू करेंगे। अब हम जाएंगे आखिरी स्टॉक के ऊपर और वो कौन सा है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। और IDFC फर्स्ट बैंक की पिछली स्टडी यहाँ पर है, हमने क्लियरली देखा था 62 के आसपास स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है एंड एग्जैक्टली स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, एसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में भी काम कर रहा था बट स्टॉक का हो गया ब्रेकडाउन एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस जो था 59 रुपीज़ का वो ट्रिगर हो गया। जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
₹59 का तो स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हो गया एंड स्टॉक वन वे जो है पूरी तरह से उसको तोड़ते हुए नीचे आ गया। यस, पूरी तरह से उसको तोड़ते हुए नीचे आ गया। एंड नीचे आते आते स्टॉक ने किस तरह से काम किया, यहाँ पे देखिए स्टॉक जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रेंड लाइन होती है ना, उसी तरह से यहाँ पे नीचे आते गया। देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, उसी में नीचे आया, यहाँ पे बना दिया स्टॉक ने एक बढ़िया सा एक कर्व। एंड कर्व बनाने के बाद स्टॉक जो है एक ही रेंज में काम कर रहा है। यस, एक ही रेंज में काम कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए एक रेंज में फंस चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये जो रेंज है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे आपको जो दिखाना है वो क्या है वो देख लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं चार्ट को जूम। ये देखिए ये जो रेंज है, अब देख लीजिए स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, बट यहाँ का स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था, नीचे आ रहा था, पिछले चारों दिन से नीचे जा रहा था, बट आज का सेशन देखिए 16 जुलाई स्टॉक किस तरह से मजबूती से ऊपर की तरफ खड़ा है, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। स्टॉक का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस रेंज का, हाईएस्ट क्लोजिंग क्या है इस रेंज की, वो ये दिन मिली थी 5 जुलाई को, और वो दिन और वो क्लोजिंग क्या थी 54.45, बस 10 पैसे वहाँ से दूर है। यस, सिर्फ 10 पैसे वहाँ से दूर है। ये जो लेवल है उसको मैं यहाँ पर लेके एडिट कर देता, अपडेट कर देता हूँ, 62 जो है उसको 54.45 इसकी क्लोजिंग चाहिए, 54.45 इसके ऊपर बंद होना है स्टॉक को। अगर इसके ऊपर स्टॉक बंद हो गया ना तो फायरवर्क्स देखने मिलेंगे ऊपर की तरफ, और उसमें स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, स्टॉक जा सकता है यहाँ तक, दो लेवल्स 57 एंड 59 ईजिली देखने को मिलेंगे। तकरीबन यहाँ से 10% की तेज़ी पॉसिबल लगती है 57 59। ठीक है, ये हो गए टारगेट्स। नाउ नीचे की तरफ स्टॉक कौन सा लेवल तोड़ देता है, तो जो ट्रेडर्स लोग हैं, हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उनको निकल जाना है, बेकवाली बढ़ सकती है। कौन सा लेवल है वो है ये 52.5 स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये अगर गया तो थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है, और गिरावट अगर बढ़ती है, जिनका लंबी अवधि का नज़रिया है, जो निवेश करना चाहते हैं बढ़िया स्टॉक्स में, 50, 46 इस पर ध्यान दीजिए, फॉर इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के निवेश की हम बात कर रहे हैं, 50 रुपीज़ 46 इसके आसपास स्टॉक मिलता है तो बेझिझक स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, पूरी तैयारी कर रहा है स्टॉक जो है ब्रेकआउट करने की। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी के चारों बढ़िया स्टॉक्स के बारे में हमने बात की, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कल के भी दोनों वीडियोस में मैंने यही कहा था, बहुत लोगों को लगता है लेफ्ट आउट की फीलिंग आती है कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बट नो, दूसरे स्टॉक्स चले हैं, बट जो नहीं चले हैं उनकी भी बारी है, उनको भी ऊपर जाना है। फंडामेंटली सारी कंपनियां मजबूत है, कोई भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट है नहीं, गिरावट होती है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स पे ध्यान देना है, उनको वॉच लिस्ट में रखना है। एंड गिरावट होती है तो क्यों होती है, क्योंकि वो मार्केट का प्रोसेस है, किसी ने खरीदा है तो उसको मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेगा ही, दैट्स इट, और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव बात है नहीं। एंड मार्केट अभी कैसा है, मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ, बहुत ही लाइट है। अगर हल्का सा भी करेक्शन आपको मिलता है निफ्टी में ऊपर से 100-150 पॉइंट का, तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे स्टॉक्स में रहिए, पैसे बिल्कुल ही बनेंगे। ओके, एंड फंडामेंटल्स को समझिए, टेक्निकल्स को समझिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लाइक पैसे बनाना बहुत आसान है इक्विटी मार्केट्स में, सच कह रहा हूँ, शेयर बाजार में पैसे बनाना बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए एंड उनको बस सही तरीके से, मतलब इनको कंसिस्टेंटली ध्यान में रख के धीरे धीरे आगे बढ़िए। एंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो आप चाहते हैं मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करूँ, मतलब फंडामेंटल्स को चेक करूँ, टेक्निकल्स को चेक करूँ, तो स्टॉक का नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।